सकती है तो हमारा पैसा 180 दिन के अंदर सरकार भुगतान करेगी, वो भी 2 से 3 गुना करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कानून बन चुका है, कई राज्यों में भुगतान हो भी रहा है, कानून पूरे देश में लागू है। हमारा पैसा जमा है, यदि हम उनके पास जाते हैं कि हमारा इस कंपनी ने इतना पैसा खा लिया है, तो यही पुलिस वाले, यही कर्मचारी, डीएम, मजिस्ट्रेट हम लोगों को डांट के भगा देते हैं कि नहीं वहाँ जाओ, किसने जमा करवाया था, किस एजेंट ने जमा करवाया था, उस एजेंट से मिलो जाके, वो पैसा तुमको देगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। एजेंट के पास, किसी के पास पैसा नहीं रखा है, एजेंट ने आपसे पैसा लिया है, कंपनी में जमा किया है, आपको बॉन्ड और रसीद सब प्राप्त कराए हैं। यदि आपके पास बॉन्ड और रसीद सब कुछ है तो उस कंपनी के नाम आप दावा कर सकते हैं। यदि आप दावा करेंगे तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी, उनको जुर्माना करेगी, उनके मकानों को, उनके जमीनों को कुर करेगी, नीलाम करेगी और आपका भुगतान 180 दिन के अंदर करेगी। आपका कितना भी पैसा चला गया हो, यदि आप FIR नहीं करेंगे तो सरकार उनको नहीं पकड़ेगी, उनको सजा भी नहीं देगी और आपका पैसा कभी नहीं मिल पाएगा। सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून के अंतर्गत यदि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो पैसा मिलना बिल्कुल संभव है। भारत सरकार ने कानून बना दिया है, राज्य सरकार ने आदेश कर दिया है, आपका जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी उसको सक्षम अधिकारी बनाया गया है, उसको भुगतान करता अधिकारी बनाया गया है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो हम सब निवेशकों का पैसा वापस करे और 180 दिन के अंदर वापस करे और वर्ष के अंतर्गत वापस करे। तो हम सब लोग जब एकत्रित होंगे तो वो अधिकारी भी हमारी बात को मान लेगा, यदि 2 लोग 4 लोग जाएंगे तो हमको डांट के भगा देगा और हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिल पाएगा। तो हम सब लोगों को जन चेतना, जन जागरण के माध्यम से सभी लोगों को सूचित कर रहे हैं।